हेलो दोस्तों, रोजगार सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नई वैकेंसी लेके आया हूँ और ये वैकेंसी बम्पर वैकेंसी है। इसमें जो कुल पदों की संख्या है वह है 10,101। जो कुल पदों की वैकेंसी है इसमें छोटी से लेके बड़ी हर एक पोस्ट दी गई है। और अगर आपने स्नातक किया है, मतलब आपने अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं या फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा है आपके पास, तो आप ये फॉर्म बिल्कुल बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है, आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेंगी। सैलरी बच्चे कैसे रहने वाली है और ये फॉर्म महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए देखते हैं पूरी जानकारी। यहाँ पे देखिए, बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम बोर्ड ने भर्ती निकाली है। पद का नाम है, पहला है स्पेशलिस्ट सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, इसमें है 355 पोस्ट। दूसरा है स्पेशलिस्ट सर्वे कोनोंगो, इसमें है 758। शायद मैं गलत पढ़ दिया होंगे इसको, आप पढ़ लीजिएगा। तीसरा है स्पेशलिस्ट सर्वे एमिन, इसमें है सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो इसी में है। इसमें जो कुल पदों की संख्या है वो है 8,244, 8,244 वैकेंसी। एंड चौथा है स्पेशलिस्ट सर्वे क्लर्क, इसमें है 744 पोस्ट। ठीक है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे दी गई है जो कि है कुल मिला के बम्पर वैकेंसी है जो कि है 10,101। यहाँ पे कुल मिला के वैकेंसी निकाली गई है। जॉब लोकेशन ऑफकोर्स भी है कि रहेंगी और आपको ये फॉर्म ऑनलाइन से भरना है। सैलरी की आप बात करें तो यहाँ पर सैलरी सबकी अलग अलग दी गई है। यहाँ पे देखिए, सेटलमेंट ऑफिसर के लिए 59,000 यहाँ पर सैलरी रखी गई है। कनोंगो ओके के लिए है 30,000, शायद फिर मैंने गलत पढ़ लिया होगा, आप पढ़ लीजिएगा उसको ध्यान से। ठीक है, एंड एमएन के लिए 31,000 एंड क्लर्क के लिए 25,000। ठीक है, यहाँ पर सैलरी दी गई है। सैलरी बहुत बहुत अच्छी है और ये आपके लिए गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है मिनिमम 18, मैक्सिमम 40, और तो यहाँ पे 5 साल तक की आयु में छूट भी है। नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन के नाम पे यहाँ पे केवल डिग्री या डिप्लोमा का मांगा गया है। अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा किया है तो आप ये फॉर्म बिल्कुल बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक, फीस देखिए, जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे जो फीस है वो 800 रुपये रखी गई है और महिलाओं के लिए यहाँ पे जो फीस है वो 800 रुपये रखी गई है। ठीक है, SST और PWD के लिए जो फीस है वो 400 रुपये रखी गई है। अगर आप महिला SC ST से आते होंगे तो भी जो महिला को जो फीस है वो 800 रुपये पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और आप जो पेमेंट है वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग थ्रू पे कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट दिखेंगी जो कि है 12/5/2023। ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आपको और भी डेट दिखेंगे जो चालान पे करने की डेट है एंड करेक्शन डेट है। और नीचे यहाँ पे देखिए, आवेदन कैसे करना है आप लिखा है, आप ऐसे पढ़ सकते हैं। सबसे नीचे आएंगे, पहली लिंक अप्लाई करने की है, सेकंड नोटिफिकेशन है और थर्ड वेबसाइट है।